आज हम अपने प्राइस रेंज में दो बेस्ट फोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक है वन प्लस 7T और दूसरा है रेडमी नोट 8 प्रो। एक की प्राइस रेंज है 37 से लेकर 40, दूसरी की प्राइस रेंज है 15 से लेकर 17। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की, और डिजाइन के लिए सबसे पहले हमने पिक किया है वन प्लस 7T को। 7T जो अपने साथ लेके आता है फुल एच डी प्लस एमोलेड स्क्रीन 90Hz के डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट एक्सेस मिलेगा। और आप देख सकते हो इसमें बेजल्स काफी बहुत ही रेयर है। ऊपर में आपको छोटा सा बेजल्स दिया है कैमरे के लिए, ठीक है, और बेजल्स बहुत ही कम है इसमें। अगर आप इसको बैक में देखते हो तो सर्कुलर लेआउट कैमरा दिया हुआ है इसमें, जिसमें आपको तीन कैमरे मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा 48 MP का है, एक सेकेंडरी कैमरा है 16 MP का जो वाइड एंगल कैमरा है, और एक 12 MP का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। साथ में एक फ्लैश दिया हुआ है। और जो इसका फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और बैक में वन प्लस ने कन्फर्म नहीं किया है, टफेस्ट ग्लास बताया है। आप इसके बॉटम में जाएंगे तो एक आपको टाइप सी मिलेगा, और आपको टाइप सी के अलावा एक स्पीकर ग्रिल मिलेगा और एक सिम ट्रे मिलेगा। अच्छा, ये अपने साथ डुअल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर लेके आता है, तो ऊपर भी आपको टॉप में भी एक स्पीकर का वो मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं है आपको वन प्लस में। अगर वन प्लस का फोन आप खरीदोगे तो एक चीज आपको मिसिंग मिलेगी, वो है टाइप। आपको ईयरफोन का जैक नहीं मिलेगा, ईयरफोन का आपको जैक नहीं मिलेगा। फोन काफी पतला है, स्लिम है, और आप इजी टू इसको हैंडल कर सकते हो। फोन लंबाई में ज्यादा है क्योंकि 6.5 इंची का इसका टोटल डिस्प्ले है, लेकिन आपको इजी ग्रिप कर सकते हो फोन का। फोन का स्क्रीन जो है, फोन को जो काफी कर्वी बनाया है ताकि आपको इजी से उसको होल्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नोट 8 प्रो का। इसके डिजाइन की बात करें तो पीछे एक स्ट्रेट लेआउट कैमरा का दिया हुआ है डिजाइन में। गामा ग्रीन कलर का बॉडी है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको कैमरे की बात बताता हूँ। इसमें 64 MP का क्वाड कैमरा लेआउट है। 64 MP के लिए आपको प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, 8 MP का आपको टेलीफोटो दिया हुआ है, 2 MP के लिए आपको आपको वो दिया हुआ है, एक और कैमरा दिया हुआ है, और 2 MP दिया हुआ है आपको माइक्रो लेंस के लिए दिया हुआ है। और साथ में आपको पीछे ही फिंगरप्रिंट एक्सेस दिया हुआ है कैमरा लेआउट के नीचे ही। अगर आप फ्रंट की बात करें तो इसमें भी फुल एचडी प्लस स्क्रीन है, लेकिन इसके बेजल्स थोड़ा सा वन प्लस की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। आप देखो कैमरा का जो फ्रंट कैमरा का जो लेआउट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है इसका। अगर नीचे की बात करें तो इसमें एक टाइप सी कनेक्टर दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, एक स्पीकर ग्रिल है, और एक बहुत अच्छी बात है जो हम सबका फेवरेट 3.5 mm का जैक है, जो आपको वन प्लस में मिसिंग मिलेगा। अगर वन प्लस में आपको सुनना है तो आपको अलग से जैक खरीदना पड़ेगा, आपको एक अलग से कनेक्टर खरीदना पड़ेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस की बात करते हैं सबसे पहले वन प्लस 7T का। वन प्लस अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है, जो अपने साथ लेके आता है ऑक्सीजन ओएस। और वन प्लस अपने साथ लेके आता है, वन प्लस अपने 7T अपने साथ लेके आता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो इस टाइम तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, जो 7 नैनोमीटर के बेस पे प्रोसेसर है, चिपसेट है। और अपने साथ लेके आता है दूसरा चीज और कर एंड्रॉयड 10, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको एंड्रॉयड 10, और रेगुलर अपडेट्स भी आपको इसमें मिलते रहते हैं। और इसका ऑक्सीजन ओएस के बारे में आपको बताई है, जो बॉगी बहुत ज्यादा फ्लूइड है, बहुत ज्यादा स्मूथली काम करता है, एक तरह से स्टॉक एंड्रॉयड की फीलिंग देता है। और जो 90Hz की डिस्प्ले है इसकी, उसके आप अलग ही लुफ्त उठा सकते हो, जो आपको बहुत ही मजा आता है इसको यूज करने में। अब हम बात करते हैं उसकी रेडमी अब हम बात करते हैं रेडमी नोट 8 प्रो के साथ, जो एंड्रॉयड पाई बेस है और इसमें MIUI वर्जन है। आता है स्नैपड्रैगन G90T के बेस पे, आता है स्नैपड्रैगन G90T बेस पे। और ये हमारा जो वर्जन है, ये है आपका 6GB 128GB, आप देख सकते हो 192 128GB है इसका। और ये MIUI 10 के पर बेस है, इसके आपको स्टेबल वर्जन मिलते हैं। बस मुझे इसमें एक ही ड्रॉबैक लगती है MI के फोनों में, वो ड्रॉबैक ये है कि इसमें एड्स बहुत आते हैं, और शायद MI ने आपको कहा है कि हम उसको एड को रिमूव करेंगे। अब आते हैं इसके कैमरा सैंपल्स के ऊपर, तो आपको कुछ कैमरा फीचर्स दिखाते हैं इसके, दोनों के कैमरे के आपको कुछ कंपेरिजन करके दिखाते हैं। Thank you.
है।